What was the problem statement that we have covered in the last class for timer programming? Write a program to generate delay of 20 microseconds using internal timer 0.8051. ओके, सो बेसिकली हमने एक प्रोग्राम देखा जहाँ पे कि जस्ट अ सेकंड, या जहाँ पे हमें क्या करने कुछ सेकंड के लिए, यानी स्पेसिफिकली यहाँ पे 20 सेकंड के लिए आपको डिले जनरेट करना था. ओके, सो 20 माइक्रो सेकंड मेरे ख्याल से आपको 1 जनरेट करना था, बाकी टाइम आप 0 रख सकते हो, बट उतने देर के लिए 20 माइक्रो सेकंड के लिए आपको 1 रखना था. ओके, सो दैट वाज द प्रोग्राम ऑल अबाउट. आज जो हम प्रोग्राम देखेंगे इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एंड ज्यादातर मुंबई यूनिवर्सिटी में ज्यादातर अगर कोई सवाल पूछा जाता है ऑन टाइम, दैट इज स्पेसिफिकली दिस क्वेश्चन व्हिच इज जनरली आस्क्ड. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड? आई थिंक आई हैव गिवन दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आल्सो. हैव आई गिवन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट? यस यस, सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था मैंने आपको. या सो दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ स्क्वायर वेव, राइट? यस राइट. सो जो मोस्ट कॉमन सवाल आपको बोला जाएगा, जो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको लिखना पड़ेगा, दैट प्रोग्राम इज टू राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ स्क्वायर वेव. ओके, सो स्क्वायर वेव आपको बनाने के लिए बोला जाएगा. सो दिस इज व्हाट अ स्क्वायर वेव विल बेसिकली लुक लाइक, एंड उस स्क्वायर वेव का कुछ आपको फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा कि इतने फ्रीक्वेंसी का आपका स्क्वायर वेव होना चाहिए. सो व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी? इट इज अ रेट एट विच अ सिंगल पल्स अकर. ओके, सो सिंगल पल्स यानी एक क्लॉक पल्स यानी कितना, एक साइकिल यानी what is a one cycle? This is this part, right? एक high और एक low, right ना? ये एक cycle consider किया जाता है. ऐसे multiple cycles यानी इतने cycle अगर एक second में करोगे, that will give you a frequency. So what is the frequency given for this square wave that is to be generated as per the problem statement? या सो दोज हु हैव जॉइंड नाउ, और उनको पता नहीं या याद नहीं है कि क्या लिखना था, व्हाट वाज द प्रोग्राम, सो द प्रोग्राम इज जस्ट राइट डाउन द प्रोग्राम. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. आज जो मैं प्रोग्राम लिखने जाऊंगा उस प्रोग्राम को भी बराबर से आप उसी तरीके से लिखना, बिकॉज दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम. सो द प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ स्क्वायर वेव, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ स्क्वायर वेव ऑफ 1 kHz. Of 1 kHz from the TXD pin of 8051. From the TXD pin of 8051. What is TXD pin? It is which pin we are talking about? It is port 3.1, I think. Is it P3.1? Yes. So on that pin, write a program to generate a square wave of 1 kHz from the TXD pin of 8051. Full stop. उस पिन पे आपको जनरेट करना है, और जो स्क्वायर वेव का फ्रीक्वेंसी दैट इज 1 kHz. नेक्स्ट पॉइंट, यूज टाइमर वन एंड अज्यूम द क्लॉक फ्रीक्वेंसी एज 12 MHz. यूज टाइमर वन एंड अज्यूम द क्लॉक फ्रीक्वेंसी एज 12 MHz. ओके, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव नोन? अभी तक क्या क्या बातें पता चल गई हमें? हमें पता चल गया जो स्क्वायर वेव आ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? 1 kHz. ओके, सो द फ्रीक्वेंसी इज 1 kHz. 1 kHz है ना कि 1 MHz? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 1 kHz. कितना बोला था मैंने आपको, किलो बोला था? ओके, सो इट इज 1 kHz. ओके, सो 1 kHz आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है. उसके बाद जो आपका द सेकंड थिंग व्हिच इज दैट इज नोन इज दैट द टाइमर जो आप यूज करोगे, दैट टाइमर इज व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, टाइमर 0 टाइमर 1 टाइमर 1 मोड 1. सो वी आर यूजिंग टाइमर 1 एंड वी आर यूजिंग मोड 1. ओके, बिकॉज़ इट इज वन ऑफ द बेस्ट मोड, बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम काउंट, सो वी विल बी यूजिंग टाइमर 1 एंड मोड 1. उसके बाद व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी नो? और क्या पता है हमें? आउटपुट कहां पे आने वाला है? वेयर इज द आउटपुट कमिंग? Where is the output coming? TXD yani port 3.1 pe output aayega. Okay, so you can press P3.1. So aapko delay dena hai. Okay, fir aapko 1 dena hai, fir delay dena hai.
फिर वापस आपको इसको लूप में डाल करके so that is how you generate a square wave. So zero का मतलब नीचे level is low, फिर delay दोगे जब तक delay दोगे तब तक वो zero रहेगा, फिर आपको one देना है. So you go to the high level and then you maintain at that the high level by keeping it at the giving a delay. So आपने वो delay दे दिया, उसके बाद वापस आप zero दोगे, you go to the low level and you maintain that low level by keeping delay. Then you go to one again. And then you maintain that by keeping the delay as calling a function called as a delay. Is the point clear? Yes. So that means we have to give a delay. So delay जो है हमें देने के लिए हमें find out करना है कि ये जो level है यानी इस point पे ये delay कब तक रखना है, कब तक आपको zero रखना है, कब तक आपको one रखना है. Point आपको find करना है, okay? That is the point that you have to find out, okay? So how to find out? How to find that time duration of how many times you have to keep it as a high? How many times you have to keep it as a low? How to find that? कैसे पता चलेगा? Comes from how does the time comes from? Time comes from the frequency, right? What is the frequency that we have? What is the frequency that I'm having? Square wave का frequency क्या generate करना है मुझे? It is 1 kilohertz. So 1 kilohertz से अगर मैं अगर आपसे time period पूछूंगा, what is the time period for one cycle? Time period of one cycle will be equal to what? 1 upon 1 kilohertz. Frequency. So it is 1 upon 1 meg 1 kilohertz. 1 kilohertz का मतलब basically क्या हो जाता है? Kilo becomes 10. Kilo becomes what? 10 raised to 3. 10 raised to minus 3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? It will become milli. Right? It will become milli. 1 millisecond. So it will become milli, and 1 upon hertz is 1 upon hertz will become second. So duration of cycle is equal to how many second? कितना duration मिल रहा है आपको? 1 millisecond का मिल रहा है. Duration of low. अगर For how much time should I keep it high out? पूरे के पूरे clock pulse के लिए जो time period लग रहा है, positive square wave means जितना time सो वॉइस ब्रेक हो रहा है. Just a second. I'll just switch to some other lab and I'll try to connect it. Okay. Audible now? Yeah. We already have 3 faculty in the same lab right now. So the वॉइस माइट इंटरफ्यू. क्या करना है मैम? क्या करूं? नेटवर्क नहीं आ रहा है मेरे को वहां पर. चलेगा ना? ओके. ओके. सो व्हाट आई ट्राई टू से इज कि अभी तक आपको क्या क्या पता चल गया. यू नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्क्वायर वेव दैट यू आर जनरेटिंग. You know in which timer you are walking, you know in which mode you are walking, you know where you want to display the output. What you want to find is ki jo aap delay de rahe ho, okay, jo aap 1 de rahe ho ya jo aap 0 de rahe ho, iska time aapko find karna hai. Ye time agar aapko pata chal gaya, aap timer uske hisab se set karoge and utna delay aapko mil jayega. Okay, in order to find that time, time can be generated by reversing of the frequency. So if you write down 1 upon f, it will generate a time, and that time is for what? One machine cycle, one cycle basically. So ek cycle ke liye, am I audible right now? Yes sir.
सो एक साइकिल के लिए दैट मींस एक हाई और एक लो के लिए जो टाइम पीरियड लगेगा दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 मिलीसेकंड. सो इफ आई आस्क यू कि कितने टाइम के लिए वो हाई रहेगा और कितने टाइम के लिए लो रहेगा, कैन यू टेल मी द आंसर नाउ फॉर हाउ मच टाइम इट शुड रिमेन हाई? 1 मिलीसेकंड. 1 मिलीसेकंड यस 1 मिलीसेकंड इज फॉर द कंप्लीट साइकिल. फॉर हाफ अ मिलीसेकंड इट विल बी हाई एंड फॉर हाफ मिलीसेकंड इट विल रिमेन लो, राइट? Is the point clear? So for 0.5 millisecond, for 0.5 millisecond it will remain high, and for the next 0.5 millisecond it will remain low. So this time is clear to you? Is it clear? Yes, sir. Okay. ये तो हमें पता चल गया हमें कितनी देर तक हाई रखना है कितनी देर तक लो रखना है. अब हम क्या करेंगे, काउंटिंग फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करेंगे. ओके सो do you guys remember ki what is the first step that we do? We calculate the counting frequency, right? Counting frequency kya hota hai, jo timer jo aapka count kar raha hai wo kitne frequency pe count kar raha hai. Okay, so how to calculate that? The clock that is coming, that clock we are assuming as 12 megahertz, right? 12 megahertz ka clock frequency hai hamara. Sorry, my bad. अरे हाउ हाउ मतलब मेरे को पता कैसे चलेगा बच्चों को सुनाई दे रहे कि नहीं. ओके ओके सॉरी ओके सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से शिट यार सीरियसली बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है. हां सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक एम आई ऑडिबल? यस सर. Yeah. So the frequency that I'm getting, the frequency that I'm of which is coming into my 8051 is 12 megahertz. Okay. वो 12 megahertz कम divide by कितने से करते हैं? Which comes into the clock? 12. Okay. So the counting frequency that we get, the counting frequency is equal to f oscillation by 12. Okay. So what is f oscillation that we have? 12 upon 12. So it is 12 megahertz. Okay. So 12 megahertz by 12 megahertz. will give by 12 will give you 1 megahertz. So 1 megahertz ka aapka counting frequency hai. Okay, so that means jo aapka pulse aa raha hai into the timer which is coming into your timer 1, wo pulse kitne speed pe aa raha hai? It is coming at 1 megahertz ki frequency se. If you try to convert it into second, yani kitne second pe aapka agla count increment hoga, how to calculate that time, how to calculate the time from the frequency, how to calculate the time? Time is equal to what? 1 upon f count. F count kya hai aapka? 1 megahertz. So 1 upon 1 megahertz will be equal to what? 1 microsecond, right? Is it equal to 1 microsecond? Yani har ek microsecond ke baad aapka jo count rahega timer ka, it will get incremented by 1. Is the point clear? Yes, sir. Yeah. So in order to achieve 0.5 millisecond, 0.5 millisecond yani 500 microsecond. Okay. In order to achieve that 500 microsecond ka delay, agar aap yahan pe dekh pa rahe this point, this part is a delay that we want to generate, and this is equal to 500 microsecond ka delay. In order to achieve 500 microsecond ka delay, how much count I have to count? Ek count karne ke liye 1 microsecond lag raha hai mujhe. So kitna count mujhe karna padega jisse mujhe 500 microsecond ka delay milega? 500 count. Because I have to, for each count I am getting a delay of 1 microsecond, because har time 1 microsecond pe ek pulse aata hai aur wo count ko 1 se increment kar deta hai. So in order to achieve a 500 microsecond ka delay, I have to make a count of 500. I have to count 500 times. Is the point clear? Yahan tak clear hai? Is the point clear? Yes, sir. Yeah. So your desired count will be equal to what? What is your desired count? How much count you require? How much count you require? 500. Why 500? Why 500? Because har ek count ka 1 microsecond lag raha hai. So 5 microsecond ka delay karne ke liye aapko 500 count lagenge, right? So that is why it is a desired count. So desired count aapko pata chal gaya. Can you calculate the max count? What is max count?
sorry, what is what is count to be loaded? Count to load. What is that value? What is the formula for that? Maximum minus desired. Max minus desired plus one. Okay. So use that formula and find out the what is the count that you have to load into your timer. So max count is 65,535. Okay. Subtract 500 from it and add one into it. Find out the value. Find out the value. 65,036. कितना आ रहा है? 65,036. 65,036. यही वैल्यू आ रही है? Is this the value coming? Yes, sir. Yeah. Just try to convert into hexadecimal. Hexadecimal में क्या होगी value? अगर calculator है तो ज़्यादा better होगा आपके पास. I think the value is FE0C. Okay. So the value. Yes. यही आ रहा है? FE0C. Yeah. So this is the value which comes. This value is in hexadecimal. So you have got the count value that you want to store. ये count value आपको पता चल गई, okay? अब क्या करोगे? FE जो है आपका that you will try to store into a register which is called as TH one and 0C आपको store करोगे into TL one. Is the point here? Is the point here? Yes. तो यहाँ तक आपका पार्ट कैलकुलेशन का था, अब आपका एक्चुअल प्रोग्रामिंग था. तो कैलकुलेशन में क्या हमेशा कैलकुलेट करते हैं हम लोग? व्हाट वी ट्राई टू कैलकुलेट इन एवरी कैलकुलेशन, वी ट्राई टू कैलकुलेट कि हर एक जो आपका काउंट है इनटू योर टाइमर, उसके लिए जो पल्स आ रही है वो कितने स्पीड में आ रही है, व्हाट इज द टाइम दैट इज कमिंग. सो हर एक पल्स का टाइम इज जनरली इट कम्स अंडर टू 1 माइक्रोसेकंड. एंड सेकंड आपको काउंट करना है कि वो डिले कितना देर तक आपको देना है, वो डिले कब तक रखना है, आपको 1 कब तक मेंटेन करना है, फिर 0 कब तक मेंटेन करना है. दैट कम्स फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. क्वेश्चन में बताया कि जो स्क्वायर वेव है आपका, दैट स्क्वायर वेव इज अ 1 किलोहर्ट्ज़ स्क्वायर वेव. So 1 kilohertz आपको पता चल गया, जो टाइम पीरियड है दैट इज 1 मिलीसेकंड का कंप्लीट साइकिल. आउट ऑफ दैट 0.5 मिलीसेकंड इज फॉर द अप टाइम एंड 0.5 मिलीसेकंड इट रिमेंस एज अ डाउन टाइम. ओके, सो 0.5 मिलीसेकंड इज इक्वल टू 500 माइक्रोसेकंड. दैट मींस फॉर 500 माइक्रोसेकंड क्या बोल रहे हो? प्लस वन ने किया ना, प्लस वन किया ना उसके अंदर कुछ अलग आ रहा है क्या? You can find out the value later, okay? वो important नहीं है. Important क्या है? We got the max count. We know what is the desired count. Just try to convert into hexadecimal later. Is the point clear यहाँ तक? Is the point clear? Yes, sir. Okay. I'll just now explain how to write down the program. यहाँ तक तो हमने पूरा का पूरा सिर्फ हमने वो देख लिया कि एक्चुअली प्रोग्राम जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हमने देख लिया. अब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं. सो फॉर स्टार्टिंग द प्रोग्राम आई एम क्रिएटिंग अ लेबल कॉल्ड एज मेन. ओके, आई एम क्रिएटिंग अ लेबल कॉल्ड एज मेन. ये क्यों लेबल क्रिएट करते हैं हमें बाद में पता चलेगा. इन दिस मेन लेबल आई एम क्लियरिंग सी एल आर, आई एम क्लियरिंग अ पिन विच इज कॉल्ड एज P3.1. वाई एम क्लियरिंग इट? वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्लियरिंग P3.1? क्या पास कर रहा हूं मैं बेसिकली पोर्ट 3.1 पे? क्या पास कर रहा हूं मैं? 0 या 1? 0. आई एम पासिंग 0 बेसिकली. सो 0 मैं पास कर रहा हूं. कब तक 0 रखना है P3.1 पे? फॉर हाउ मेनी सेकंड आई हैव टू मेंटेन दैट 0? 0.5 मिलीसेकंड और 500 माइक्रोसेकंड. ओके, सो वो उसको करने के लिए हम लोग एक एक फंक्शन को कॉल करेंगे विच इज कॉल्ड एज, विल बी कॉलिंग अ फंक्शन एंड थ्रू ए कॉल, एंड दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड एज अ डिले फंक्शन. ओके, सो आई विल बी कॉलिंग अ फंक्शन विच इज कॉल्ड एज अ डिले. ये डिले हम लोग लिखेंगे थोड़ी देर में. ओके, सो डिले इज नथिंग बट इट इज अ लेबल, एंड यूजिंग दैट लेबल आई विल बी कॉलिंग दैट द फंक्शन विच बेसिकली परफॉर्म्स दैट डिले विच जनरेट्स अ 500 माइक्रोसेकंड का डिले. आफ्टर गेटिंग दिस 500 माइक्रोसेकंड का डिले, P3.1 का कंटेंट अब क्या बनाना चाहिए? What should be P3.1 become now after getting that delay? P3.1 पे क्या लिखोगे? One बनाओगे. One बनाने के लिए क्या function लिखोगे यहाँ पे? Clear की जगह पे क्या होगा? Set.
सेट बी लिखोगे, किसको करोगे, इट शुड बी डन एट P3.1। ओके, P3.1 बनाने का मतलब क्या कर दिया आपने, यहाँ पे वन पास कर दिया या पास्ट वन ओवर। अब ये वन कब तक रखना है, इट इज फॉर द सेम टाइम। तो अब आप वापस क्या करोगे, डीले को कॉल करोगे, कॉल द डीले अगेन। ओके, तो अब डीले को वापस बुलाओगे। सो ये जो डीले था, दिस डीले, ये जो डीले आपने लिखा है, ये कितना डीले देगा, 500 माइक्रो सेकेंड का, बराबर ना, इट विल गिव अ 500 माइक्रो सेकेंड का डीले। दिस डीले विल ऑल्सो गिव अ डीले ऑफ 500 माइक्रो सेकेंड, बराबर बराबर, इज पॉइंट क्लियर? ओके, ये तब तक करना है, यहाँ पे रुक जाना है कि वापस फिर से P3.1 को कॉल करना है, फिर से कॉल करना है। Should it do it again and again and square wave generate करना, सिर्फ एक बार plus, एक बार one और zero generate करके रुकना तो नहीं है ना आपको, फिर से zero generate करना है, फिर one generate करना है, फिर zero करना है, फिर jump करना है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, short jump करना पड़ेगा, और ये short jump कहाँ पे करना पड़ेगा, where you want to jump again, कहाँ पे jump करना है आपको, कौन से level पे jump करना पड़ेगा आपको, आपने P3.1 को सबसे पहली लाइन से क्या किया, P3.1 पे आपने जीरो पास किया, ये जीरो को आपको मेंटेन करना पड़ेगा फॉर 500 माइक्रो सेकेंड। उसके बाद आपको उसको वन बनाना पड़ेगा, वो वन करने के लिए आपने सेट भी P3.1 किया। उसके बाद आपने फिर से एक कॉल को कॉल किया एंड आपने क्या किया, 500 माइक्रो सेकेंड का डिले आपने वापस दे दिया। उसके बाद आपको ये चीज वापस कंटिन्यू करनी, यू हैव टू कंटिन्यू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू अगेन you have to call a function which is called as a short jump. Wo short jump karega, ye jump kahan pe karega, where what should be the next line, the first line, it is the main, right? So mujhe main label ko wapas call karna padega, I have to jump back to the main, right? Is the point clear? Yes sir. So that means I have made this loop, maine ye loop bana diya. Ab mujhe kya karna hai, mujhe delay yes. function ko define karna, I have to define the delay function. What is delay actually? So delay ke liye mujhe टाइमर को सेट करना पड़ेगा, टाइमर के मोड को सेट करना पड़ेगा, टाइमर के अंदर लोड करना पड़ेगा। ओके, सो आई जस्ट राइट डाउन एंड यू टेल मी व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इट। ओके, सो मैं पहला लाइन लिखता हूं इन डिले, व्हिच इज कॉल्ड एज अ मूव, आई एम मूविंग द डेटा इनटू टी मोड। सो टी मोड रजिस्टर हम क्या किस लिए यूज करते हैं, व्हाई वी यूज टी मोड रजिस्टर, मोड ऑफ द टाइमर। सो व्हिच टाइमर आई एम यूजिंग, टाइमर 1 और टाइमर 0, टाइमर 1 टाइमर वन के अंदर कितने बिट होते हैं, कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, राइट? या सो वी हैव फर्स्ट बिट, वी हैव सेकंड बिट, वी हैव थर्ड बिट, वी हैव फोर्थ बिट, उसके बाद फिर और 4 बिट होती है हमारे पास, विच इज फॉर टाइमर 0। सो ये लास्ट की जो 4 बिट है उसको आप 0 रख लोगे, यू विल मेक इट एज अ 0। व्हाट विल बी द फर्स्ट 4 बिट, टाइमर मोड, टाइमर 1 का फर्स्ट 4 बिट क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट बिट इन टी मोड, टी मोड का पहला बिट क्या होता है, गेट, राइट? गेट क्या होगा आपका, 0 रख लो आप। उसके बाद अगला बिट क्या होगा, काउंटर स्लैश टाइमर, सो यू आर यूजिंग एज अ काउंटर और यू आर यूजिंग एज अ टाइमर, टाइमर यू आर यूजिंग एज अ टाइमर, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू, सी स्लैश टी बार, टाइमर 0 होगा। उसके बाद मोड 1 में आपको चाहिए, तो मोड 0, मोड 1 में डालने के लिए को M0 क्या होना चाहिए, M1, इट शुड बी 0 एंड देन आपको क्या डालना पड़ेगा, 1। सो ये आपका टाइमर 1 का बिट हो गया। टाइमर 0 में क्या है, आपको सब 0 डालना पड़ेगा। सो दिस इज योर एक्चुअल डेटा दैट यू वांट टू पास इनटू टी मोड। टेल मी इन हेक्साडेसिमल व्हाट इज दिस वैल्यू, हेक्साडेसिमल में ये वैल्यू क्या है, 108, इट इज 108। ओके, सो आई विल राइट डाउन हैश 10, आई विल जस्ट राइट डाउन हैश 10h। Is the point clear? ये क्यों लिखा हमने ये लाइन, इन ऑर्डर टू सेलेक्ट व्हाट, विच टाइमर, टाइमर 1 एंड मोड 1, ये करने के लिए हमने ये लाइन लिखी। इज दिस लाइन क्लियर, इज द लाइन क्लियर, यस सर। ओके, मतलब बेसिकली हमने पहले टाइमर का मोड सेलेक्ट कर लिया, टाइमर कौन से मोड में वर्क कर रहा, कौन सा टाइमर वर्क कर रहा, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, 10 10 होगा या, हाँ ठीक है, बराबर है, बराबर है, बराबर,
नेक्स्ट इज अगला क्या करना है हमें TH0 सॉरी TL0 को के अंदर वैल्यू डालना है या TH1 के अंदर वैल्यू डालना है, किसके अंदर वैल्यू डालना है, लोड करना है हमें काउंट। सो TH0 में डालना है या TH1 में डालना है, इन व्हिच आई हैव टू लोड इट TH1, वी हैव टू लोड इट इनटू TH1। सो TH1 में हम क्या लोड करेंगे, व्हाट वैल्यू हैव टू लोड, FFH, इट वाज आई थिंक व्हाट वाज द काउंट, काउंट वाज FE0C। तो FE कहां पे जाएगा और 0C कहां पे जाएगा, FEH1 में। ओके सो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, हैश क्या लिखूंगा, FEH। ओके मैंने FEH यहां पे लिख दिया। ओके ये लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है, TH मैंने लोड कर दिया, मुझे TL लोड करना है। सो TL में क्या जाएगा, व्हाट शुड गो इनटू TL1, व्हाट शुड गो इनटू TL1, 0C। सो यहां पे जाके मैं यहां पे 0C डाल दूंगा, आई विल पुट 0C ओवर हियर। 0FEH ना सर, सॉरी हां 0FEH, गुड पॉइंट। ओके व्हाई 0FEH, बिकॉज़ द फर्स्ट कैरेक्टर इज अ कैरेक्टर, कैरेक्टर होने की वजह से आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वहां पे 0 डालना पड़ेगा। सो नेक्स्ट यहां पे 0CH आपको यहां पे डालना पड़ेगा। So, आपने टाइमर लोड कर दिया। सो दीज टू लाइंस आर बेसिकली यूज फॉर व्हाट, व्हाई वी हैव रिटन दीज टू लाइंस, व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग दीज टू लाइंस, फॉर लोडिंग द टाइमर और लोडिंग द काउंट इन द टाइमर। इज ए पॉइंट क्लियर, इज ए पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया ये तीन लाइन। ओके शुड वी मूव अहेड, आगे चले, टाइमर मोड हमने सेलेक्ट कर दिया, टाइमर सेलेक्ट कर दिया हमने, लोड कर दिया, अब हमें स्टार्ट करना है। टाइमर को स्टार्ट कैसे करते हैं, विच रजिस्टर स्टार सेट, टीकॉन। तो मैं क्या करूंगा, टीकॉन के अंदर मैं कुछ डेटा डालने की कोशिश करूंगा, जिससे कि क्या हो जाएगा मेरा वो बिट वन हो जाएगा। कौन सा बिट मुझे वन करना है, बेसिकली टाइमर रन बिट वन। ओके सो टाइमर रन बिट फॉर टाइमर वन रन बिट मुझे वन करना है, बाकी सब मुझे जीरो करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड बी, व्हाट डेटा शुड आई पुट इन टीकॉन, कैन समवन टेल मी, टीकॉन के अंदर पहला बिट कौन सा होता है, व्हाट इज द फर्स्ट बिट देयर इन टीकॉन, फर्स्ट बिट टाइमर ओवरफ्लो, टीएफ1, टीएफ1 के बाद क्या होता है, टीएफ1 को क्या रखना पड़ेगा मुझे, जीरो। उसके बाद क्या होगा, TF1 के बाद क्या होगा, TR1, TR1 मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे TR1 को क्या रखना पड़ेगा, 1। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, TF0 वो 0 हो जाएगा, फिर TR0 वो भी 0 हो जाएगा, I1 वो भी 0 होगा, IT1 वो भी 0 होगा, I0 वो भी 0 होगा, लास्ट वाले चारों बिट 0 होंगे। सो व्हाट इज, व्हाट इज द डेटा दैट आई हैव टू पुट इन टीकॉन, हैश, हैश 40H, I think 40H होगा, yes 40H, समझ में आया कैसे आया 40H, सबको समझ में आया 40H कैसे आया, yes 40H कैसे आया, 40 can be written down as 0100 0000, this is how we write down 40, okay, so 40 में ये जो वाला bit था, which is this bit, second bit, that second bit is for running the timer, timer 1 को run करने के लिए हमने उस bit को 1 किया, is the point clear? Is the point clear? So now this is diode 1, this is diode 2. Is it clear? This is V1? Yes, yes. So, humne is line se humne kya kiya? Start timer 1, humne start kar diya. Is this line clear to you? Ye line kyun likha, samajh mein aa gaya aapko? Is it clear? Yes. Okay. So, humne kya karna hai? Abhi kya karna hai? Humne ab kya karna hai? Basically, wait karna hai. कब तक वेट करना है, जब तक वो टाइमर ओवरफ्लो ना हो जाए। ओके सो वी हैव टू वेट, ओके कब तक, उस जगह पे जंप इफ नॉट बिट, कौन से बिट की बात कर रहे हैं, कौन सा बिट आपका वन ना हो जाए तब तक वेट करना है, विच बिट आर वी टॉकिंग अबाउट, इट इज टाइमर ओवरफ्लो वन और जीरो, TF1. जब तक TF1 जो है वो 0 से 1 ना हो जाए तब तक आप उसी लाइन पे बार बार जंप करते रहोगे। ओके सो यू हैव टू जंप एट द सेम लाइन अगेन एंड अगेन। ओके सो इसका, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, वेट फॉर द टाइमर टू गेट ओवरफ्लो।
which timer? Timer 1. Is this line clear? Is this line clear? Is the line clear? Yes, sir. So this line जो हमने लिखा है wait colon JNB TF1 comma wait, ये line क्यों लिखा है? Because we want to jump on that line. कब तक jump करना? जब तक आपका TF1 जो है वो 0 से 1 ना बन जाए. 0 से 1 कब बनेगा? जब तक आपका timer जो है वो overflow ना हो जाए. Okay? So F FE0 से it will count FE0D FE0E FE0F then it will become FE10. Okay, so ये करते करते जब तक ये FFFF करके उसके FFF से 0000 ना बन जाए, that is called as a timer overflow, and that timer overflow will cause my TF1 to become 1. जब तक ये condition नहीं होती, तब तक मुझे उसी instruction पे, उसी line पे wait करना पड़ेगा. I have to wait on that line. Is that line clear? Is this line clear? Yes, sir. Sir, wait, delay के under आएगा. क्या बोल रहे हो? हाँ, ये सब सब कुछ डिले के अंदर आएगा, सब कुछ डिले के अंदर आएगा. एवरीथिंग इज इनसाइड द डिले ओनली. ओके, जब तक रिटर्न नहीं करोगे तब तक आप वापस नहीं पहुंचोगे. यू हैव नॉट रिटर्न्ड एनीथिंग. ओके, अभी तक सब कुछ डिले के अंदर चल रहा है. इज द पॉइंट क्लियर? Yes. मेरा टाइमर अब ओवरफ्लो हो चुका है. अब मुझे टाइमर जो ओवरफ्लो हुआ था उस ओवरफ्लो बिट को मुझे क्लियर करना पड़ेगा. तो क्लियर लैपटॉप चार्ज करो. ओके ओके, 5% है ना? शिट यार, क्या मसला है यार कॉलेज में पढ़ाने का. कितना टाइम बचा है लेक्चर को? बहुत टाइम है. ओके, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आई हैव टू ब्रिंग माय चार्जर. लेकिन प्लस क्या है, माइनस क्यों जा रहा है? माइनस की डिग्री रिवर्सल हो रहा है यहाँ पे. तो b1 of t में क्या चल रहा है? cos omega ct plus x of t रहेगा. और b2 of t में क्या चल रहा है? cos omega ct रहेगा as it is. लेकिन मेरा मॉडल के सिग्नल फेज रिवर्सल में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? माइनस x of t. हाउ ऑल ऑफ यू गॉट इट? b1 of t में जो की संख्या है सबको. ओके, राइट डाउन b1 of t एंड b2 of t. Now people, over here, RSK circuit is used as a backbus filter. So, जो भी unwanted terms को remove करना रहेगा, कौन remove करेगा? हमारा BPO. So, it was okay. समझ में आया तक? सो वो JNB पे जंप क्यों कर रहे हो आप लोग? ताकि वो जब तक आपका टाइमर ओवरफ्लो ना हो जाए उस लाइन पे आप बार बार उधर ही पे खड़े रहोगे, तब तक जब तक आपका 500 काउंट ना हो जाए. और हर एक काउंट करने के लिए आपको 1 माइक्रोसेकंड का डिले मिल रहा है. सो 500 टाइम्स अगर आप काउंट करोगे तो आपको टोटल डिले कितना मिलेगा? हाउ मच डिले विल गेट? हाउ मच डिले विल गेट 500 माइक्रोसेकंड का. ओके, सो आपको 500 माइक्रोसेकंड का डिले मिल चुका है. अब क्या करोगे? आफ्टर गेटिंग द डिले आपको TF1 को क्लियर करना पड़ेगा. ओके, सो जो आपने बिट यूज किया है सबको क्लियर कर दो. एंड साथ में आपने TR1 जो आपने यूज किया था टाइमर को रन करने के लिए, उस रन बिट को भी आपको क्लियर करना पड़ेगा. सो मेक TF1 एंड TR1 एज या मेक इट एज 0. सो वो क्लियर करने के बाद आप फाइनली आपने सारे के सारे बिट को जस्ट अ सेकंड ना हाँ, so जो आपने रिसोर्स यूज किया था वो सारे रिसोर्स को आपने यूटिलाइज कर दिया आपने. ओके, उनको आपने क्लियर कर दिया. जिसको पहले वन रखा था, क्योंकि आपने रन बिट को स्टार्ट करने के लिए आपने टाइमर को स्टार्ट करने के लिए आपने वन किया था. वंस योर वर्क ऑफ द टाइमर हैज बीन डन, मेक इट एज अ 0. एंड सिमिलरली आपने ओवरफ्लो फ्लैग को आपने वन कर दिया था बिकॉज द टाइमर हैज बीन ओवरफ्लो. नाउ आपका डिले का काम हो चुका है, सो मेक इट एज अ 1. ओके, मेक इट एज अ 0. सो जो आपने यूज किया था मेक इट एज ऑल 0. ओके, सो इसके लिए हमने ये दो लाइन लिखी है. एंड फाइनली आपको जिसने भी रिटर्न कॉल किया है, जिसने भी इस डिले को कॉल किया है, जस्ट कॉल गो बैक टू दैट पर्टिकुलर लाइन. ओके, सो आप वापस जाने के लिए आप क्या करते हो? RET लिखते हो.
So RET stands for return. Okay, so I'll just explain. This is the complete program. Okay, this is the complete program. I'll just explain it again. सो वॉट आई हैव रिटन इन द प्रोग्राम, सबसे पहले मैंने एक मेन प्रोग्राम लिखा है. मेन प्रोग्राम के अंदर आपको क्या करना है, जीरो करना है और वन करना है. दिस इज द टू लाइन दैट आई हैव टू राइट डाउन. ओके, आई हैव टू मेक P3.1 को जीरो और उसी P3.1 को मुझे वन भी करना है. एंड इन बिटवीन दैट आई हैव टू गिव अ डिले ऑफ 500 माइक्रोसेकंड. ओके, सो उन दोनों के बीच में 500 माइक्रोसेकंड का डिले करना है, देना है, एंड मुझे इसको लूप में रखना है. आई हैव टू मेक इट एज अ लूप. सो दैट इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड अ मेन फंक्शन एंड आई हैव जंप्ड ऑन द दैट फंक्शन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. जिससे क्या होगा, पहले वन आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर जीरो आएगा, एंड उस वन और जीरो के बीच में आई हैव टू पुट अ डिले. सो डिले को डिफाइन करने के लिए आई हैव डिफाइंड अ न्यू फंक्शन. सो डिले जो है आपने कैसे डिफाइन किया, कोई भी डिले आप तभी दे पाओगे जब आप टाइमर को एक्टिवेट करते हो. बिकॉज डिले इज जनरली गिवन बाय होम, व्हिच इज अ कंपोनेंट व्हिच गिव्स अ डिले. हु गिव्स द डिले? टाइमर. सो कोई भी टाइमर को अगर आपको यूज करना है तो आपको डिले अगर देना है तो आपको टाइमर यूज करना पड़ेगा. सो एज पर आवर प्रॉब्लम यू हैव टू यूज टाइमर वन एंड मोड वन. सो इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द टाइमर वन एंड मोड वन वी हैव टू यूज अ रजिस्टर विच इज कॉल्ड एज अ टी मोड. सो टी मोड यूज करके हमने क्या किया, उसके अंदर 10 डाला. 10 डालने से क्या हो जाएगा, टाइमर वन एंड मोड वन विल गेट सेलेक्टेड. ओके, सो वो आपने सेलेक्ट कर लिया. देन आपने TH1 and TL1 को आपको को उसके अंदर काउंट लोड करना है. हाउ टू लोड द काउंट, दैट काउंट हैज केम फ्रॉम द कैलकुलेशन दैट वी हैव डन प्रीवियसली. सो उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपको टाइमर के अंदर लोड करना था काउंट, दैट काउंट इज FE0C. ये काउंट आपको लोड करना था. सो आउट ऑफ दैट FE इज लोडेड इनटू द हायर टाइमर एंड द 0C इज लोडेड इन द लोअर टाइमर. ओके, सो वो आपने लोड कर दिया. वंस your timer has been loaded, it is get now you can start that timer. So in order to start a timer there is a register which is called as a timer controller. So tcon register ke andar aap kuch data move karne se wo aapka timer controller jo hai wo start ho sakta hai. Okay, so in order to do that, in order to make in order to start your timer one, you have to pass a data into tcon which is called as a 40h. So 40h se kya ho jayega, aapka jo timer one ka jo run bit hai, that run bit will become one. As soon as it becomes one, आपका टाइमर will start counting. ये काउंट करेगा, पहला पल्स आया वो उसने एक से इंक्रीमेंट कर दिया. किसको इंक्रीमेंट किया, TL1 को. TL1 0C से क्या बन जाएगा, 0D. ये एक इंक्रीमेंट में कितना टाइम ले रहा है, 1 माइक्रोसेकेंड. फिर अगला एक पल्स आया 1 माइक्रोसेकेंड के बाद, वो 0D से 0E बन जाएगा. फिर एक पल्स आया, वो 0E से 0F बन जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ इट कीप्स ऑन काउंटिंग. ओके, सो व्हेनेवर अ न्यू पल्स कम एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 MHz व्हिच इज इन टाइम इट इज इक्वल टू 1 माइक्रोसेकेंड, आपका एक काउंट बढ़ेगा. सो इन ऑर्डर टू काउंट 500 काउंट्स, आपका जो डिले मिलेगा दैट इज 500 माइक्रोसेकेंड. तो ये करने के लिए आपको 500 माइक्रोसेकंड वेट करने के लिए आपने एक लाइन लिखा विच इज वेट JNB TF1, wait. ये क्यों किया आपने, बिकॉज यू हैव टू वेट फॉर दैट TF1 फ्लैग टू बिकम वन. ये वन कब होगा, जब आपका टाइमर ओवरफ्लो होगा. टाइमर ओवरफ्लो कब होगा, जब वो 500 बार काउंट करेगा. 500 बार काउंट कब तक करेगा, हर काउंट करने में 1 माइक्रोसेकंड लग रहा है, तो 500 काउंट करने में आपको 500 माइक्रोसेकंड का काउंट टाइम लगेगा, 500 माइक्रोसेकंड टाइम लगेगा. एज सून एज 500 microsecond time is executed or it is done, TF1 क्या हो जाएगा, it will become 1. As soon as it becomes 1, आपका loop break हो जाएगा, आप next instruction पे हो जाओगे, TF1 को आप 0 कर दोगे, TR1 को आप 0 कर दोगे, and you'll go back to the next line of the instruction. Next line में क्या है, P3.1 पे आपने 0 दिया था, अब आप P3.1 पे 1 pass करोगे, and again call the delay function. Delay function में फिर से 500 microsecond का आपको delay मिलेगा, go back and again call P3.1 and pass over there 0. Is the program clear? Is the program clear? Yes, sir. Yeah, so this is the program. Hardly कितने लाइन का कोड है? Max 15 लाइन का, 10 लाइन का कोड है. Okay? And कितने मार्क का है ये प्रोग्राम? This is for 10 marks. And it has been asked repeatedly. Okay? So in timer, अगर कोई क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पेपर में रिपीट होता है, this is one of the important question which has been repeated many times in the paper. Okay? So, दो टाइप मैंने बताया, दोनों टाइप में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. आइदर आपको वन मेंटेन करना पड़ेगा ऑन टू अ पिन फॉर अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड, या आपको स्क्वायर वेव जनरेट करना पड़ेगा यूजिंग टाइमर. सो चेंज कहाँ पे होगा, वेयर विल बी द चेंज. अगर मान लो या
क्वेश्चन के अंदर जो सवाल आपको पूछा जाएगा वो सवाल के अंदर आपको क्या पूछा जा सकता है, जनरेट अ स्क्वायर वेव. ओके, अगर स्क्वायर वेव बोला इसका मतलब जो ड्यूटी साइकिल है दैट ड्यूटी साइकिल इज 50%. ड्यूटी साइकिल का मतलब 50% वो अप रहेगा, 50% डाउन रहेगा. समटाइम्स पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ स्क्वायर वेव हैविंग अ ड्यूटी साइकिल ऑफ 20%. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20%? 20% इट विल रिमेन अप एंड रिमेनिंग 80% टाइम इट विल रिमेन डाउन. ओके, सो ये जो आपका 1 मिलीसेकंड है, 1 मिलीसेकंड का जो आपका एक पल्स है, सो कितने टाइम आपका अप रहेगा और कितने टाइम डाउन रहेगा? कैन यू टेल मी द टाइम ड्यूरेशन फॉर दैट, फॉर हाउ मेनी टाइम इट विल रिमेन अप एंड हाउ मेनी टाइम विल रिमेन डाउन? इफ वन क्लॉक 200 मिलीसेकंड्स अप, 200 मिलीसेकंड नहीं, 200 माइक्रोसेकंड, माइक्रोसेकंड्स, या सो 200 माइक्रोसेकंड वो अप रहेगा, बाकी 800 माइक्रोसेकंड इट विल रिमेन डाउन. ओके, सो ये जो आपका डिले है, ओके, ओवर देयर दिस डिले will become two delays. Okay, एक बार delay one को call करोगे और एक बार delay two को call करोगे. Is the point clear? Delay one में आपको count अलग रखना पड़ेगा, delay two में आपको count अलग रखना पड़ेगा. समझ में आया? Is it clear? Okay, so आप क्या करोगे, I'll just give you an assignment. Write down the question. Write a program to generate a square wave of 2 kilohertz. Of 2 kilohertz from the pin P1.2 of 8051 microcontroller. Sir, from pin P1.2, port 1.2. Okay, from pin P1.2. यहाँ पे पिन कौन सा यूज था? P3.1. वहाँ पे कौन सा यूज होगा? P1.2. Okay, that is the only change that you have to do. So clear or set जो आपको करना है वो P3.1 पे यहाँ पे हो रहा था, वहाँ पे वो P1.2 पे होगा. Is the point clear? Is it clear? Yes. Yeah. Full stop. Write down the next point. Use timer zero in mode one. Full stop. Assume clock frequency as 11.0592 megahertz. Assume clock frequency as 11.0592 megahertz. Full stop. The duty cycle of the square wave is 25%. The duty cycle of the square wave is 25%. Is it clear? Is the question clear? I've changed a lot of things. Okay, मैंने ज़्यादातर चीज़ें change किया है. Okay, आपको ये program attempt करना है. Okay, so this is the question that has came. So what are the things that has been changed over here? पिछले program में और इस program में क्या changes हैं? The program का layout will be exactly same. Program के layout में कुछ भी change नहीं है. But calculation में कुछ changes होगा. कहाँ कहाँ पे calculation में change होगा? कौन कौन से पार्ट में कैलकुलेशन में चेंज होगा? पहला तो जो ये आप पहला जो स्क्वायर वेव आप जनरेट कर रहे हो वो स्क्वायर वेव का फ्रीक्वेंसी आपने चेंज कर दिया. क्या स्क्वायर वेव का फ्रीक्वेंसी है? व्हाट इज स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी? 25% इंस्टेड ऑफ 1 किलोहर्ट्ज़ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? इट इज 2 किलोहर्ट्ज़. सो अगर इसको आप टाइम पीरियड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? इट इज 1/2 किलोहर्ट्ज़ व्हिच इज इक्वल टू equal to how many seconds?
कितना होगा 0.5 मिली सेकेंड बराबर बराबर क्या 0.5 मिली सेकेंड में 25% टाइम इट रिमेन्स अप 75% टाइम इट रिमेन्स डाउन ओके सो कैन यू फाइंड आउट द टाइम पीरियड फॉर इट रिमेन्स अप सो हाउ टू फाइंड इट 0.5 डिवाइड बाय व्हाट 4 आई थिंक बराबर ना बराबर बराबर ना सो 500 माइक्रोसेकेंड डिवाइड बाय 4 करोगे सो फॉर दैट टाइम इट रिमेन्स अप एंड डाउन कितने टाइम के लिए रहेगा इट विल बी 500 मल्टीप्लाई बाय 3/4 सो फॉर दैट टाइम इट विल रिमेन डाउन बराबर पुट डाउन द वैल्यू इन टू कैलकुलेटर एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज इज इट करेक्ट और एम आई गोइंग रॉन्ग 0.125 मिलीसेकंड होगा 0.125 मिलीसेकंड 0.125 मिलीसेकंड यानी कितना हो जाएगा 125 माइक्रोसेकंड राइट बराबर ना अभिषेक यस तो 500 डिवाइड बाय 4 भी करोगे तो 125 ही आएगा ना अभिषेक बराबर यस सर यस सेम ही है यार मैथमेटिक्स का है आपको कैसा करना है वो ये मैं जो कर रहा हूँ दैट इज 25% ऑफ 500 कर रहा हूँ और यहाँ पे 75% ऑफ 500 कर रहा हूँ सो 25% कैन बी रिटेन डाउन एज 1/4 एंड 75 कैन बी रिटेन डाउन एज 3/4 बराबर बराबर यस सो 125 माइक्रोसेकंड के लिए अप रहेगा एंड 375 माइक्रोसेकंड के लिए डाउन रहेगा सो ये पार्ट आपने कैलकुलेट कर दिया यानी आपका जो पहला डिले होगा वो डिले आपको 125 माइक्रोसेकंड के लिए जनरेट करना है एंड जो सेकंड डिले होगा दैट इज फॉर 375 माइक्रोसेकंड के लिए आपको जनरेट करना है दिस पार्ट इज क्लियर टू यू इज दिस पार्ट क्लियर यस ओके सेकंड पार्ट जहां पे चेंज है दैट इज द चेंज इन एफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी पहले कितना था 12 मेगाहर्ट्ज नाउ व्हाट हैज द फ्रीक्वेंसी बिकम What is the new frequency? 11.059. It is 11.0592 megahertz divided by 12. And tell me the count. Tell me the counting frequency. 0.9216. Okay. Now convert it into time period. Convert that frequency into time period. So one by that, do that. One by that, that number that you are getting. And tell me the, एक pulse आने के लिए कितना time लग रहा है? How many microseconds is required? 1.085 microsecond is required, right? यहाँ तक समझ में आ गया? यानी एक count करने के लिए आपको इतना time लग रहा है? बराबर? So how I can put into words for one count. The delay which is generated it is 1.085 microsecond. Barabar. So in order to generate 125 microsecond, ka delay, how many counts I have to put? So x count karna padega. So tell me the count value for it. Samajh mein hai sawal? Ek count karne mein aapko 1.085 microsecond lag raha hai. So x count करने में आपको 125 microsecond लगेगा तो x कितना होगा what is the value of x so it can be written down as x is equal to 125 divided by 1.085 ऐसा कुछ होएगा ना कितना आएगा 115.20 count आपको लग रहा है right this is the total count that is required so close to you can take it as a any number so aap 116 le lo okay so make it as a 116 okay so make it as a close integer okay make it as an integer number don't keep it as a float number so make it as a 116 ka count mujhe rakhna padega 116 maine count kiya to mujhe jo delay milega that is close to 125 microsecond is this point clear yes sir okay similarly abhi mujhe यही चीज मुझे काउंट करना है फॉर 375 माइक्रोसेकेंड 375
375 माइक्रोसेकंड करने के लिए मुझे कितना काउंट करना पड़ रहा है, हाउ मेनी काउंट्स हैव टू डू. सो अप्लाई द सेम फॉर्मूला एंड फाइंड आउट कि फॉर वाई काउंट हाउ मेनी 375 माइक्रोसेकंड का मुझे डिले चाहिए. सो फॉर हाउ मेनी वाई काउंट्स हैव टू काउंट. सो अप्लाई द सेम फॉर्मूला एंड फाइंड आउट 345.62 कितना 345.62 345.62 345 की जगह 346 कर देता हूँ. वो जो वैल्यू आएगी हेक्साडेसिमल में आई हैव टू पुट इनटू टाइमर 1 के अंदर TH1 के अंदर वो डालना पड़ेगा फर्स्ट 8 बिट एंड रिमेनिंग 8 बिट आई हैव टू पुट इनटू TL0. सिमिलरली अगले डिले के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो काउंट की वैल्यू चेंज करना पड़ेगा. सो व्हाट आई हैव टू डू, यहां तक मैंने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट दैट आई हैव डन. अब मुझे चेंज कहां पे करना है, क्लियर P3.1 की जगह पे क्या जाएगा, व्हाट शुड बी डू ओवर हियर, P1.2 P2.1 नहीं क्या P1.2 आ जाएगा यहाँ पे. Then I have to call a delay, but over here delay function दो अलग अलग हो जाएगा क्योंकि एक में delay मुझे 125 microsecond का generate करना है और दूसरे में generate मुझे करना है 375 microsecond का. So I have to make two delay function. So after that, after making zero, after zero I have to कितना delay देना है मुझे, 375 microsecond का delay देना है या 125 microsecond का delay देना है? 375. So I have to call a delay function which is delay 1 and that delay 1 के अंदर जो TL0 और TH0 के अंदर जो आप count put करोगे that count should be equal to 346 का desired count आपको आना चाहिए. So वो function के लिए आपको TH1, TL1, TCON1 ये सारे तरीका यही होगा, यही सेम डिले के अंदर आपको डालना है, बट जो वैल्यू होगी वो वैल्यू चेंज होगी. यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टाइमर 1 की जगह पे आपको टाइमर 0 इनिशियलाइज करना है, यहाँ पे TH1 का और TL1 का 0 चेंज वैल्यू चेंज हो जाएगा, TCON के अंदर जो आपका वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन टाइमर 0 नाउ. ओके, यू हैव टू जंप इफ नॉट बिट आपको TF0 का कंटेंट चेक करना पड़ेगा. सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ TF1 यू हैव टू चेक फॉर TF0 एंड क्लियर करने के लिए आपको TF0 को क्लियर करना पड़ेगा, TR0 को क्लियर करना पड़ेगा एंड आई हैव टू रिटर्न बैक. समझ में आया, कैन यू राइट डाउन द प्रोग्राम फॉर दैट? यस सर, ट्राई टू राइट डाउन द प्रोग्राम फॉर दैट एंड शो मी द रिजल्ट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, इज इट क्लियर? एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम टिल नाउ, कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम है समझने में? नो सर. ओके, सो आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, 3 मिनट बचा है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. If you have any doubt regarding, this is the end of the timer program. एक और लेक्चर मुझे चाहिए for the serial communication के प्रोग्राम के लिए. एक वो प्रोग्राम हो जाएगा, then we are good to, that is the end of your second module. So we are completed with full 8051. We have completed with full programming of 8051. So that will be the end of the your module 2. So any problem till now in this particular programming? No, sir. Okay, I'll provide the program also. I'll provide the program soon. Jab mujhe time milega, I'll upload the video also and I will try to put the program into your classroom. So yeah, I'll inform you regarding that. Okay. So agar aapke hisab se aapne agar program please note kar lo, iska screenshot le lo agar possible hai to, and just try to write down the program on your own for that particular set of program. Jo maine aapko problem statement diya, agar wo agar aapne achieve kar liya, that means you are good to go with the timer program. Aapka timer program koi bhi scenario mein aap timer ka program ko aap likh sakoge. Okay, so try to do that program and I'm sure kabhi bhi program aayega timer ke upar aap aaram se likh sakoge. So can we disperse this class if you don't have any doubt? किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन आते हैं. यस, कैन यू रिपीट अगेन, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है अभिषेक. मोड 0 के क्वेश्चन आते हैं. मोड 0 के? यस. नहीं नहीं, मोड 0 पे जनरली नहीं आता है. मोड 0 जो है वो आपको सिर्फ ये बताया गया कि मोड 0 करके मोड है, मोड 2 करके मोड है, मोड 3 करके मोड है. बट जनरली जब आप टाइमर का प्रोग्राम लिखते हो, जो बेस्ट टाइमर है दैट इज मोड 1 ओनली. मोड 2 आपको यूज करना है लेकिन सीरियल कम्युनिकेशन में यूज करना है. सीरियल कम्युनिकेशन में मोड 2 यूज होगा. ओके,
एंड बाकी जगह पे ज्यादातर टाइमर के जितने भी प्रोग्राम होंगे आप ज्यादातर टाइमर मोड वन में ही वर्क करते हो। कोई स्पेशल कंडीशन आ गया? लेकिन अभी तक जो भी प्रोग्राम मैंने देखा है टाइमर का आपका और जो भी आपके सिलेबस में, दैट इज ऑल रिलेटेड टू द टाइमर वन ओनली। सो बिकॉज यू आर नॉट दैट मच इनटू 8051 के अंदर, सो वो आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो उन्होंने अभी तक वो उतना ही रखा है। एंड दे एक्सपेक्ट कि आप टाइमर मोड वन पे ही वर्क करो। टाइमर मोड टू आपको वर्क करना है, बट इन सीरियल कम्युनिकेशन में आपको ज्यादातर जितने भी प्रोग्राम है दैट यू हैव टू वर्क इन टाइमर मोड टू ओनली। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो जो फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा ज्यादातर सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर आपको अज्यूम करना है 11.0592 इन सीरियल कम्युनिकेशन। अगर कभी भी अज्यूम करना है, if it is not given in the question paper, in serial communication you have to assume it as a 11.0592 and in timer program you have to assume it as a 12 megahertz. Okay, so timer ke andar agar paper mein diya hai 11.0592 tab aap usko 11.0592 lo. agar paper mein nahi diya hai kuch bhi timer ka koi frequency, wo clock ka jo frequency hai, internal clock frequency, then you have to make it as a 12 megahertz. you have to assume as a 12 megahertz. so whenever, just remember, keep a note of it, ek note kahin pe likh karke rakh lo. whenever you have to solve a timer ka program, in that case if there is no frequency given in the question, you have to assume as 12 megahertz in case of timer program. is the point clear? usse advantage kya milta hai ki har ek jo aapka delay hai, har ek count jo hai, us count karne ke liye jo aapka time lagega, that is 1 microsecond. so automatically aapka calculation aasan ho jata hai. you don't have to work with floating point number. तो इस वजह से आपको एडवांटेज मिल जाता है। एंड सेम इज द केस विद 11.0592। वो स्पेसिफिक नंबर इसलिए ताकि आपको एक बॉड रेट होता है जो सीरियल कम्युनिकेशन में, बहुत जल्द हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे, वहां पे एक स्पेसिफिक बॉड रेट आपको अचीव करना होता है। एंड दैट स्पेसिफिक बॉड रेट इज अचीव्ड ओनली इफ यू अज्यूम अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 11.0592। सो सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर हमेशा फ्रीक्वेंसी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी आप अज्यूम करोगे 11.0592। एंड इन टाइमर प्रोग्राम के अंदर हमेशा प्रोग्राम के टाइम पे आप फ्रीक्वेंसी जो आप अज्यूम करोगे दैट इज 12 मेगाहर्ट्ज। इज द पॉइंट क्लियर? ओके सर। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, यू कैन लीव नाउ। Anybody want to have a question? किसी को कुछ पूछना है? शोएब, ओमकार, अशोक, क्लास में हो, बाहर हो? तेजस आर यू देयर? तेजस आर यू देयर?